Hello my dear friends, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic physical properties of metals. Metal ke bhautik gunon ke bare mein aaj hum padhne ja rahe hain ki metal ke bhautik gun kaun kaun se hain. To humne metals ko agar hame unke bhautik gun ke bare mein pata hai unka hum comparing karte hain तो मेटल्स को हम इजीली जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करवाऊंगी, यहाँ पे वीडियो में बताऊंगी और उनके आधार पर हम मेटल्स की एक एक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते जाएंगे. तो आज के टॉपिक से रिलेटेड हमें कौन कौन से मेटल्स चाहिए, तो जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और भी बहुत सारे मेटल्स जो ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं उन्हें हम इकट्ठा कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट. इसमें हम लेंगे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम. ठीक है, तो इन जो हमने मेटल इकट्ठे किए हैं इनको हम देखेंगे कैसे दिखाई देती हैं, इनमें हमें शाइन दिखाई देगी. ठीक है, अब एक सैंड पेपर लेकर इसे थोड़ा साफ कर देंगे. साफ करने के बाद फिर देखेंगे इनकी शाइन कैसी है सरफेस. तो पहले से ज़्यादा शाइन कर रही है, तो इसका मतलब जितने भी मेटल्स हैं प्योर स्टेट में उनमें शाइनिंग सरफेस होती है. तो इसे हम कहते हैं मेटैलिक लस्टर. तो मेटल्स जो हैं वो मेटैलिक लस्टर लिए हुए होते हैं, धात्विक चमक उनमें होती है. आइए दूसरी एक्टिविटी में हम देखते हैं. तो इसके लिए कुछ फिर मेटल पीसेस हम लेंगे, जैसे आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का. ठीक है, उनको हम नाइफ से काटने की कोशिश करके देखेंगे क्या आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इनको हम नाइफ से काट सकते हैं. ठीक है, सोडियम भी हम ले सकते हैं. तो सोडियम मेटल जो है उनको उसको लेते समय पहले तो टंग से पकड़ना चाहिए चिमटी से, और उसे बहुत सावधानी से हमें हाथ लगाना है और फिर फिल्टर पेपर पर रखकर उसे प्रेस करना है ताकि जो नमी है वो अब्सॉर्ब हो जाए, और उसके बाद नाइफ से हमने उसको काट के देखना है. तो सोडियम जो है वो नाइफ से कट जाता है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, इनको हम चाकू से नहीं काट सकते. तो हमने देखा कि मेटल्स जो हैं वो जनरली तो हार्ड हैं ज़्यादातर मेटल्स, और कुछ मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट है, जैसे हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया, पोटेशियम भी सॉफ्ट है, तो ये सॉफ्ट है. तो मेटल्स की जो हार्डनेस है वो वेरीज करती जाती है, कोई मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड और कोई कम हार्ड है. तो एक्टिविटी तीसरी पे हम आते हैं. तो इसमें हम आयरन, जिंक, लेड, कॉपर जो हमने मेटल सैंपल लिए हुए हैं उनको लेकर एक मेटल लेंगे एक टाइम में, आयरन का एक ब्लॉक लेकर उसके ऊपर रखकर हम उसको हथौड़े से, हैमर से पीटने की कोशिश करेंगे. चार पांच बार जब हम स्ट्राइक कर लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि मेटल कैसी शेप में आ जाती है. तो मेटल जो है वो फ्लैट हो जाती हैं, शीट लाइक स्ट्रक्चर उसकी बन जाती है. तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है मेटल को जब हम बीट करते हैं, शीट में टर्न कर देते हैं बीटने से, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम मैलेबिलिटी कहते हैं. तो धातुएं जो होती हैं वो मैलेबल होती हैं, अर्थात उनकी हम पीट पीट कर शीट्स या चदरें बना सकते हैं. ठीक है, अघात वर्ध्य बोलते हैं इसको हिंदी में हम, तो ये चोट सहन कर सकते हैं. तो क्या आप जानते हो जो गोल्ड है या सिल्वर है बहुत ही ज़्यादा मैलेबल मेटल्स हैं. ठीक है, आइए आगे चलते हैं. हम एक्टिविटी फोर्थ हम करने जा रहे हैं. तो कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, लेड मेटल जो हमारे पास हैं उनकी हम क्या वायर्स निकाल सकते हैं. हमने अक्सर देखी हुई हैं कॉपर की वायर्स, एल्युमिनियम की वायर्स, आयरन की, है ना, तो वायर्स हम इनकी निकाल सकते हैं. तो मेटल्स की वो एबिलिटी, वो क्षमता जिसके कारण मेटल को हम पतली पतली वायर्स में खींच सकते हैं, मेटल की पतली पतली वायर्स खींच सकते हैं, उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं. तो मेटल्स जो होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, ठीक है, तन्या होती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम तन्यता कहते हैं. तो धातुएं जो हैं वो तन्या होती हैं,
ठीक है, अर्थात उनकी पतली पतली तारें खींची जा सकती हैं। जो गोल्ड है, ठीक है, सोना, वो बहुत ही ज्यादा डक्टाइल मेटल है। 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं। ठीक है, हमने देखा कि जो धातुएं हैं वो मेलेबिल हैं, ठीक है, अर्थात अघात वर्धे हैं, उनकी चदरें बना सकते हैं, डक्टाइल हैं, ठीक है, तारे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम धातुओं के बर्तन बना सकते हैं? तो कौन सा गुण है धातुओं का जिस कारण हम उनके बर्तन बना सकते हैं? आइए देखते हैं, एक एक्टिविटी करेंगे। एक कॉपर की या एल्युमिनियम की वायर लेंगे और उस वायर को एक स्टैंड पर क्लैंप के साथ कस देंगे, और जो कॉपर या एल्युमिनियम की वायर है उसके बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पर, जो फ्री एंड होगा, वहाँ पर वैक्स से हम एक छोटी पिन लगा देंगे। ठीक है, अभी मैं पिक्चर में दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं। और अब जो ये एल्युमिनियम की जो वायर है, इसे हम स्पीड क्लैंप से गर्म करना शुरू करेंगे। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो पिन हमने लगाई थी वैक्स के साथ, वो वैक्स मेल्ट कर गई और पिन नीचे गिर गई है। ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं पहले पिक्चर के द्वारा। ये थी मेटल की वायर, कॉपर की या एल्युमिनियम की या आयरन की, आपको आयरन की भी ले सकते हो। तो इसमें जो फ्री एंड है, ठीक है, उस पे हमने वैक्स के साथ पिन लगाई हुई है, और इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये वैक्स मेल्ट हो जाती है और पिन नीचे गिर जाती है। कैसे हुआ, जब हमने यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो ये मेल्ट, यहाँ से मेल्ट क्यों की? तो जहाँ यहाँ से हम मेल्ट कर रहे हैं तो हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होती हुई यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, आती गई, आगे चलती गई, हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो ट्रांसफ़र होते 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 जब हीट यहाँ पे आती है तो ये वैक्स मेल्ट हो जाती है और ये पिन नीचे गिर जाती है। इसका मतलब मेटल जो है वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं। यही कारण है कि जो तवा है, ठीक है, वो लोहे का बनाया जाता है, उसमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो मेटल्स जो है, हमने इस एक्टिविटी में देखा कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है हीट के, और जल्दी जल्दी मेल्ट भी नहीं करते, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हुआ। ठीक है, हमने देखा कॉपर की वायर जो थी या एल्युमिनियम की वायर थी या लोहे की भी हम ले सकते थे, सिल्वर की ले सकते थे, वो मेल्ट नहीं की। तो जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो गुड कंडक्टर हीट के होते हैं। ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लेड और मरकरी जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट के, ठीक है, ये अपवाद है। और क्या मेटल्स जो हैं वो बिजली को भी ऐसे कंडक्ट कर सकते हैं जैसे हीट को कंडक्ट किया? ठीक है, तो इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करके देखेंगे। तो बैटरी लगाई, वायर लगाई, एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, वायर के इस एंड के साथ जोड़ा और इधर से बैटरी का दूसरे एंडिंग को स्प्लिट करके हमने बीच में गैप छोड़ दिया, दो क्लिप लगाए हुए हैं, ठीक है, और स्विच लगा दिया। अब क्लिप में हम डिफरेंट मेटल्स लगा कर देखेंगे। ठीक है, मेटल्स लगाएंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे बल्ब जगेगा। तो इसका मतलब मेटल जो है वो बिजली को कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जितनी भी तार होती हैं जिसमें करंट जा रहा होता है, तो करंट कैरिंग वायर जो होती हैं उनको, उनकी कोटिंग की जाती है या तो रबड़ लाइक मटेरियल के साथ, ठीक है, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड के साथ। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें पता है तो जो मेटल वायर है उनमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने के कारण हमें झटका आ सकता है। तो ना हो ऐसा, इसलिए रबर लाइक मटेरियल से उस जो कंडक्टर है, ठीक है, जो वायर है उसे हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है, और या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसा मटेरियल लिया जाता है। ठीक है, एक और एक्टिविटी की ओर चलते हैं। अगर आपके हाथ से कोई बर्तन छूट जाए,
है ना, हार्ड सरफेस पर आकर जब वो टकराता है तो क्या होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो सभी मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब मेटल्स जो हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो मेटल्स को हम सोनोरस भी कह सकते हैं। ठीक है, तार तो होता है इनमें, तो ध्वनि पैदा करते हैं। तो स्कूल की बेल जो है वो भी मेटल की बनाई जाती है, ठीक है, ताकि दूर तक उसकी, देर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती रहे। तो हमने इतनी एक्टिविटीज़ की, इससे हमने रिजल्ट क्या निकाला कि जितने भी मेटल्स हैं प्योर स्टेट में, उनमें शाइनिंग सरफेस होगी, मेटेलिक क्लस्टर होगा। ठीक है, कोई भी मेटल है वो मेटेलिक क्लस्टर लिए हुए होगा, उनमें धात्विक चमक होती है। मेटल्स जनरली हार्ड है, ठीक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, आयरन है, गोल्ड है, हार्ड है, इन्हें नाइफ से हम नहीं काट सकते हैं। ठीक है, पर कुछ मेटल्स जैसे सोडियम की बात की तो वो बहुत सॉफ्ट है, उसे हम नाइफ से काट सकते हैं। धातुओं को जब थोड़े से पीटा तो उनकी शीट्स बनाई जा सकती थी, धातुएं जो हैं वो मेलेबल थी, ठीक है, धात्विक चमक थी उनमें, हार्ड थी, और उनकी जो पर शीट्स बनाई जा सकती थी, धातुएं जो है वो मेलेबल हैं, मेलेबिलिटी उनकी जो है ये गुण होता है। इसके अलावा धातुओं को तारे बना सकते हैं, धातुओं की हम खींच सकते हैं, डक्टाइल होती हैं, मेटल गुड कंडक्टर होती हैं हीट की, मेटल गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और मेटल जो हैं वो सोनरस होती हैं, अर्थात जब फर्श से टकराती हैं या किसी और मेटल से टकराती हैं तो उनकी आवाज़ आती है। तो नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होती हैं, वैसे तो हमने पीरियोडिक टेबल में भी देखा था मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और नॉन मेटल्स बहुत ही कम होते हैं। कुछ नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका नाम हमने पढ़ा था। बहुत सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो या तो सॉलिड हैं या फिर गैसेस हैं। तो एक नॉन मेटल की बात करूँगी, ब्रोमीन, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो क्या नॉन मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल के साथ, मेटल जैसी हैं? आइए देखते हैं, कंपेयर करते हैं। पहले तो पीरियोडिक टेबल में ये सभी मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल की इस साइड में मेटल्स, और यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये थोड़े हैं, ये ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में है, जैसे कार्बन सॉलिड फॉर्म में है ना, या फिर गैसेस फॉर्म में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये गैसेस फॉर्म में मिलती हैं। तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलती है, तरल अवस्था में मिलती है। तो नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आइए देखते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं इनको जब हम थोड़े से पीटते हैं तो ब्रिटल होती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, इनकी तारें नहीं बनाई जा सकती, इनको शीट में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसका मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं। ठीक है, अघात वर्धक नहीं होते और नॉन डक्टाइल होते हैं, तन्य भी नहीं होते, इनके तारे भी नहीं बनाई जा सकती। नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और एक नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, पर इसमें अपवाद हम ले रहे हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, ये कार्बन का एलोट्रोप है और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसी से इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, घरों में भी हम ड्राई सेल देखते हैं जो, तो पेंसिल सेल है जो, उसमें भी इलेक्ट्रोड जो है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, व्हाई ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे मैं इतना बता दूंगी कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं या फिर लिक्विड हैं या फिर
गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, सोल्ट फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे हैं, है ना, ये गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। जितने भी नॉन मेटल हैं उनमें कोई चमक नहीं होती, पर फिर इसमें हम जो अपवाद लेते हैं वो है ग्रेफाइट का, इसमें चमक है, और आयोडीन में भी चमक पाई जाती है, ठीक है। इनकी सरफेस जो है वो थोड़ा शाइन करती है। जितने भी नॉन मेटल हैं उनकी जो खींचने की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही कम होती है, इनको ज़्यादा खींच नहीं सकते, खींचने से ये टूट जाते हैं। डेंसिटी जो है नॉन मेटल की मेटल से कम होती है, ठीक है, ये हल्की होती हैं नॉन मेटल्स। और सॉफ्टनेस के मामले में नॉन मेटल सॉफ्ट है, पर डायमंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया हुआ है व्हाई डायमंड इज सो हार्ड, तो आप तो देख सकते हो। तो डायमंड जो है वो हार्ड है। ग्रेफाइट और डायमंड जो हैं वो कार्बन के दो रूप हैं, ठीक है, एलोट्रोप्स कहते हैं हम कार्बन के, ठीक है। तो डायमंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर देखे जाएं तो इनके लो होते हैं, ठीक है। मेटल्स के ज़्यादा मैंने बोले थे, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है नॉन मेटल्स के कम होते हैं, ठीक है। कार्बन का जो एलोट्रोप ग्रेफाइट है, चाहे वो नॉन मेटल है, पर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी मेटल की और नॉन मेटल्स की। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरीज हो, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज़ www.scienceeasylearning.wordpress.com। यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक पेज, दैट इज़ KK चौहान। थैंक यू।